सोनिया, डॉक्टर सोनिया, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। मैंने आपके रूम में भी देखा लेकिन आप वहाँ नहीं थी। मुझे माफ कर देना ज़ैनब, तुम्हारी इजाज़त लिए बगैर मैं ऑपरेशन करने चली गई थी। डॉक्टर माफी चाहती हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था। खैर ये ले, ये पूरे 5 सालों का कलेक्टिव डेटा है जैसा आपने मुझसे कहा था। ठीक है, डेटा पूरा हो गया है तो मैं अब तफसीली तौर पर इसका तजिया करना चाहती हूँ जो ऐसे केसेस में होता है। कल तक ये रेडी करना है। कल तक कंप्लीट करना होगा मुझे? जी हाँ कल तक, लेकिन इस बार देर नहीं होनी चाहिए, मुझे टाइम पे चाहिए सब कुछ। फिकर मत कीजिए डॉक्टर, कल तक मिल जाएगा आपको। ओह अम्मी, कैसा रहा ऑपरेशन? बहुत ही कामयाब। काफी थकी भी लग रही हैं। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी हुई हूँ, बल्कि फ्रेश हूँ। वैसे मैंने भी काफी कुछ किया। बात हुई है मेरी नैना से। क्या कहा उसने? चले गई है सिनान की जिंदगी से। अब मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी होगा उन दोनों के बीच। वो लड़की सिनान से मिले बगैर कोई फैसला नहीं करेगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। और अगर वो सच जान गई तो माफ कर देगी। हो नहीं सकता अम्मी, कभी भी एक औरत ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। चले आप ये बताएं, अगर बाबा ऐसा कुछ करें तो आप क्या करेंगी? मैं पहले इन्वेस्टिगेट करूंगी, उसके बाद उसमें से सच तलाश करूंगी। लेकिन नैना ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। सिनान ने उससे झूठ बोला है जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। मैंने तो उसे ये तक कह दिया था चलो चल के उस औरत से बात करते हैं हम, उसने मना कर दिया। क्या ये सही तरीका है? तुम उस औरत पे भरोसा नहीं कर सकती, क्या पता वो उसको सच ना बताए। क्या समझती है मुझे? मैंने उसे भी संभाल लिया। ज़ैनब? हाँ। काफी मसरूफ लग रही हो। हाँ हाँ बहुत मसरूफ हूँ। डॉक्टर सोनिया ने कुछ काम दिया है, लेप्रोस्कोपिक कॉलिप्सिस्टिक केसेस को स्टडी करना है। हाँ ज़ैनब, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुमने कहा था कल रात तुम घर पर अकेली थी, लेकिन उज़ैर बता रहा था कि उसने नैना को देखा था तुम्हारे घर रोते हुए। उज़ैर? हाँ हाँ उसने बताया तुम्हें? मैं तो समझी कि कल वो घर पर ही नहीं था, शायद अपने कमरे में होगा। और नैना को तो कुछ भी नहीं हुआ, वो बस जहनी दबाव में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ऐसा कौन सा जहनी दबाव हो गया नैना को? हो सकता है कि वो शादी की प्रेपरेशंस को लेके परेशान हो, शादी की शॉपिंग्स वगैरह, तुम तो जानते हो कितने काम होते हैं, शायद यही वजह हो। तुम ठीक कहती हो ज़ैनब, मैंने नैना को इन सारे कामों के साथ अकेला छोड़ दिया, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। वैसे तुम्हारा बहुत शुक्रिया ज़ैनब। और हाँ एक और बात, इट्स कॉलिसिस्टिक। कॉलिसिस्टिक? हाँ सिस्टिक। ज़ैनब तुम्हारे पास तो बहुत काम थे करने के लिए, जाओ जल्दी जाओ। हाँ कॉलिसिस्टिक। और याद रखना सिस्टिक, कॉलिसिस्टिक। हाँ सिनान बात कर रहा हूँ, कैसे हो तुम? नहीं अम्मी ऐसा नहीं, यानी मसरूफियात की वजह से नहीं मिलने आ सके और कुछ भी नहीं। हाँ हाँ सब ठीक है, आप फिक्र मत करें अम्मी, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। सिनान तो कब से इंतजार कर रहा है, हम बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम जल्द मिलने आएंगे। हो सकता है कि इसी हफ्ते में आ जाएं आपके पास। ठीक है ओके, खुदा हाफिज़।